Top headlines for the day. पिछले कुछ समय से बॉलीवुड के गलियारों में संजय दत्त की बायोपिक को लेकर काफी बस है और अब इस मच एंटिसिपेटेड फिल्म के लिए एक्साइटमेंट को थोड़ा और बढ़ाते हुए फाइनली इसके टीजर को रिलीज किया गया। वैसे तो टीजर में सिर्फ संजय दत्त का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर से दर्शकों को रूबरू करवाया गया, लेकिन आज हम आपको बताते हैं आखिर कौन इस फिल्म में कौन सा किरदार निभा रहे हैं। जहां रणबीर कपूर इस फिल्म में संजय दत्त के किरदार में नजर आएंगे, वहीं परेश रावल संजय दत्त के पिता और लेजेंडरी एक्टर सुनील दत्त का किरदार अदा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म से कमबैक कर रही वर्सटाइल एक्ट्रेस मनीषा कोइराला संजय दत्त की माँ यानी नरगिस के किरदार में दिखाई देंगी। बता दें सोनम कपूर का भी इस फिल्म में अहम किरदार है। सोनम इस फिल्म में संजय दत्त की पहली को स्टार टीना मुनीम के किरदार में दिखाई देंगी, जबकि इस फिल्म से कमबैक कर रही दूसरी एक्ट्रेस दिया मिर्जा संजय दत्त की तीसरी पत्नी मान्यता दत्त के किरदार में नजर आएंगी। बता दें संजय दत्त के दोनों जिगरी दोस्त बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और कुमार गौरव के किरदार में जिम सार्व और विकी कौशल नजर आएंगे, तो वहीं संजय दत्त की लव इंटरेस्ट रह चुकी एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के किरदार में करिश्मा तन्ना नजर आएंगी। वेल इस लिस्ट में राजकुमार हिरानी का हर फिल्म का हिस्सा रहने वाले बुमान हिरानी का नाम भी शामिल है। बुमान इस फिल्म में डायरेक्टर संजय गुप्ता के किरदार में नजर आएंगे। तो दोस्तों इस बारे में आपके क्या राय है हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। हाल ही में जैकलिन फर्नांडिस को शाहरुख खान के ऑफिस के सामने स्पॉट किया गया। गौरतलब है कि जैकलिन शाहरुख के अगले फिल्म में उनके ऑपोजिट दिखना चाहती हैं और इसी सिलसिले में वो शाहरुख से मिलने आई थी। हालांकि जैकी इस मीटिंग को पब्लिक नहीं करना चाहती थी, लेकिन मीडिया के नजरों से छुपना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बता दें इस साल जून में रिलीज होने वाली सलमान खान की फिल्म रेस 3 में जैकलिन फर्नांडिस नजर आएंगी और हो सकता है किक 2 में भी सलमान के ऑपोजिट वो नजर आए। ऐसे में जैकलिन का ये मीटिंग उन्हें महंगा न पड़ जाए। दरअसल कहा जाता है सलमान की लीडिंग लेडीज के साथ शाहरुख ज्यादातर काम नहीं करते, वही शाहरुख के लीडिंग लेडीज के साथ सलमान भी ज्यादातर काम नहीं करते। तभी तो आज तक सलमान और दीपिका की जोड़ी नहीं बन पाई और शायद इसीलिए सभी से छिपते छिपाते जैकलिन शाहरुख के ऑफिस में गई थी। दोस्तों इस बारे में आपके क्या राय है हमें बताइए नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। संजू के टीजर रिलीज के बाद जहां हर तरफ लोग रणबीर कपूर की वाहवाही में जुटे हुए हैं, वहीं संजय दत्त ने राजकुमार हिरानी को वार्निंग दे डाली। वेल संजू के बेहतरीन टीजर को देखने के बाद संजय दत्त काफी खुश हुए, लेकिन साथ में उन्होंने अपने डायरेक्टर दोस्त राजकुमार हिरानी को वार्निंग भी दे दी। अरे अरे घबराइए मत, दरअसल संजू के टीजर में रणबीर इस कदर संजय दत्त के किरदार में ढल चुके हैं कि इसे देखते हुए संजय दत्त ने राजकुमार हिरानी से कहा टीजर वाकई बेमिसाल है, लेकिन सुन मुन्ना भाई के अगले पार्ट में रणबीर कपूर को मत ले लेना क्योंकि मुन्ना भाई तो मैं ही हूँ। वैसे इस बात में कोई संदेह नहीं कि इंडस्ट्री में मुन्ना भाई एक ही है और वो है संजय दत्त, लेकिन संजय दत्त को हूबहू कॉपी करने में रणबीर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बता दे संजू 29 जून को बड़े पर्दे पर संजय दत्त की जिंदगी के सही सारे अनजाने पहलू के साथ दस्तक देने वाली है। तो दोस्तों क्या आप संजू के लिए एक्साइटेड हैं? हमें अपने विचार बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। क्या दीपिका पादुकोण बनेंगी द्रौपदी? वेल आमिर खान की ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत की तैयारी इन दिनों जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में आमिर अपने क्लोज सर्कल्स में हर किसी को ये बताते पाए रहे हैं कि कैसे दीपिका उनके ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत में द्रौपदी के रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है आखिर दीपिका एक और एपिक ड्रामा का हिस्सा बनने के लिए तैयार होंगी या नहीं। वेल पद्मावत को लेकर हुए कॉन्ट्रोवर्सी के बाद दीपिका ने ऐसे प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने से मना कर दिया था, जो आसानी से कंट्रोवर्सी पैदा कर सके। अब दीपिका इस मच प्राइजी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए तैयार होती है या नहीं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। बता दें, आमिर खान की ये माइथोलॉजिकल ड्रामा इंडियन सिनेमा के इतिहास में सबसे महंगी फिल्म होने जा रही है। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय है, हमें अपने विचार बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान टैलेंट्स का पिता है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन एक एक्टर, प्रोड्यूसर और सिंगर होने के साथ साथ सलमान एक बेहतरीन पेंटर भी हैं। ये शायद ही उनके फैंस के अलावा ज्यादा लोगों को पता होगा। लेकिन कैसे बने सलमान एक पेंटर, आखिर कैसे लगा उन्हें पेंटिंग का शौक? तो बता दें, साल 2017 में एक इंटरव्यू के दौरान उनके इस शौक के बारे में पूछे जाने पर सलमान ने बताया था, उन्हें 6 साल पहले पेंटिंग का शौक लगा जब उनके घर बन रहा था और उस समय उन्होंने कुछ पेंटिंग्स मंगवाए थे। उन्हें लगा कि ये पेंटिंग्स 18 से 20 हजार में आ जाएंगी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि पेंटिंग्स 18 से 20 लाख की हैं, तब उन्होंने खुद पेंटिंग्स बनाने का निर्णय लिया। इस इंटरव्यू के दौरान सलमान ने आगे कहा, पहले उनकी माँ आर्टिस्ट हुआ करती थी, उन्हीं से उन्होंने बचपन में स्केचेस बनाना सीखा था, और जब उन्होंने फिर से पेंटिंग करने का निर्णय लिया, तब रात के खाली वक्त में उसी सीख को उन्होंने फिर से दोहराते हुए एक पेंटर बन गए। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय है, हमें बताइए नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में, और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। क्या संजय दत्त के बायोपिक में संजय दत्त और सलमान खान की फाइट सीन होगी? वेल, रणबीर कपूर स्टारर संजू अपने टीजर रिलीज के बाद से ही दो चीजों को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। एक है इसकी बेहतरीनता और दूसरे है इसके रियलिस्टिक फ्लेवर्स। जैसे दूसरे बायोपिक्स में उस व्यक्ति के जीवन को ग्लोरीफाई किया जाता है, संजू में संजय दत्त को अच्छाई और बुराई से भरे एक आम इंसान की तरह दर्शाया जाएगा। और इसी के साथ संजय दत्त की जिंदगी से जुड़े कई कॉन्ट्रोवर्सीज भी उछाले जाएंगे। ऐसे में संजय दत्त के जिगरी दोस्त सुपरस्टार सलमान खान का भी इस फिल्म में एक अहम भूमिका होगी, जो जिम सर्फ अदा करते नजर आएंगे। वेल, बताया जाता है कि एक बार सलमान खान ने एक वीडियो में संजय दत्त के टाटा केस और AK-56 राइफल के बारे में बात की थी, जिसके बाद संजय इतना गुस्सा हो गए कि वो सलमान के घर पहुंच हाथापाई पर उतर आए। और टीजर में दिखाई गए एक सीन में रणवीर जिम की पीटते हुए नजर आते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या ये दोनों साजन को-स्टार्स का वही रियल लाइफ फाइट है? वेल, आपके क्या राय हैं इस बारे में, हमें अपने विचार बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। डायरेक्टर अली अब्बास जफर अपनी अपकमिंग फिल्म भारत से एक के बाद एक सरप्राइजेस देते ही जा रहे हैं। पहले इस पीरियडिकल ड्रामा में देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा को ऑन बोर्ड वेलकम किया गया। फिर सुनील ग्रोवर को भी इस फिल्म में सलमान खान के दोस्त के किरदार में स्वागत किया गया। और अब भारत से सलमान खान का फर्स्ट लुक आया सामने। जी हाँ, वैसे तो हम ये सब जानते ही हैं कि इस फिल्म में सलमान एक ऐसे किरदार में दिखाई देंगे जिसके जिंदगी के 60 इयर्स के सफर को पर्दे पर दर्शाया जाएगा। तभी तो इस फिल्म के फर्स्ट लुक में सलमान बेहद यंग लुक में आए नजर। इस तस्वीर में सलमान की इनोसेंट स्माइल और नया हेयर स्टाइल तो जैसे उनके फैंस के लिए एक ट्रीट है। बात करते हैं इस फिल्म की। अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनने जा रही ये पीरियडिकल ड्रामा अगले साल ईद पर रिलीज होगी। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय हैं, हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। इस साल जून का महीना बेहद खास होने वाला है, जहां दो मच एंटिसिपेटेड फिल्में बैक टू बैक बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देंगी। वहीं जहां एक तरफ होगी रेस 3, वहीं दूसरी तरफ होने वाली है संजू। बता दें, रेस 3 के किरदारों के फर्स्ट लुक रिलीज के बाद इसके ओपनिंग डे कलेक्शन को लेकर कई तरह के अटकलें लगाए गए। कुछ ट्रेड एनालिस्ट का ये भी कहना था कि ये फिल्म 48-50 करोड़ के बीच अपनी ओपनिंग डे पर कमाई कर सकती है। वहीं संजू के टीजर रिलीज के बाद कुछ ट्रेड एनालिस्ट ने इसका ओपनिंग डे प्रेडिक्शन करते हुए कहा कि ये फिल्म अपने पहले दिन 35 करोड़ की कमाई कर सकती है। अगर आपको पता ना हो तो बता दें, रेस 3 इस साल 15 जून को रिलीज हो रही है और संजू 29 जून को। ऐसे में सलमान खान रेमो डिसूजा वर्सेस रणबीर कपूर राजकुमार हिरानी के इस रेस में किसकी जीत होती है और ये प्रेडिक्शंस आखिरकार सही साबित होते हैं या नहीं, अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।
क्यों, है ना दोस्तों? इस बारे में आपके क्या राय हैं? हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। इस साल जून का महीना बेहद खास होने वाला है, जहां दो मच एंटिसिपेटेड फिल्में बैक टू बैक बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देंगी। वहीं जहां एक तरफ होगी रेस 3, वहीं दूसरी तरफ होने वाली है संजू। बता दें, रेस 3 के किरदारों के फर्स्ट लुक रिलीज के बाद इसके ओपनिंग डे कलेक्शन को लेकर कई तरह के अटकलें लगाए गए। कुछ ट्रेड एनालिस्ट का ये भी कहना था कि ये फिल्म 48-50 क्रॉस के बीच अपनी ओपनिंग डे पर कमाई कर सकती है। वहीं संजू के टीजर रिलीज के बाद कुछ ट्रेड एनालिस्ट ने इसका ओपनिंग डे प्रेडिक्शन करते हुए कहा कि ये फिल्म अपने पहले दिन 35 क्रॉस की कमाई कर सकती है। अगर आपको पता ना हो तो बता दें, रेस 3 इस साल 15 जून को रिलीज हो रही है और संजू 29 जून को। ऐसे में सलमान खान रेमो डिसूजा वर्सेस रणबीर कपूर राजकुमार हिरानी के इस रेस में किसकी जीत होती है और ये प्रेडिक्शन आखिरकार सही साबित होते हैं या नहीं, अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। क्यों, है ना दोस्तों? इस बारे में आपके क्या राय हैं? हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। लास्ट क्वेश्चन, संजय दत्त की जो बायोपिक आ रही है उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है, काफी लोगों को इंतजार किया। मैंने ट्रेलर नहीं देखा है, मैंने सुना है कि बहुत ही कमाल का ट्रेलर है। मुझे किसी ने अभी कुछ एक आध घंटे पहले किसी ने फोन पे बताया कि रणबीर के कुछ ऐसे शॉट्स हैं, अगर आप पॉज करके देखें तो ऐसा लगेगा संजू बाबा ही हैं। तो राजकुमार हिरानी जी बहुत ही ब्रिलियंट डायरेक्टर हैं, छोटा मुंह बड़ी बात है। बहुत सारे फैंस हैं उनके, जैसे हीरोज़ के फैंस होते हैं एज ए डायरेक्टर उनके फैंस हैं। उन्होंने कमाल की फिल्में बनाई हैं, तो वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड। और संजू बाबा की बायोपिक है, संजू बाबा से पूरा वर्ल्ड इतना प्यार करता है, तो वी आर वेरी एक्साइटेड। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ फिल्म देखने के लिए। दोस्तों, रेस 3 को एक विजुअल ट्रीट बनाने में इस फिल्म के मेकर्स कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। दुनिया की कई अलग अलग लोकेशंस में इस एक्शन थ्रिलर को शूट करने के बाद अब इसके लास्ट शेड्यूल के लिए इस फिल्म की कास्ट और क्रू पहुंचे हैं कश्मीर, जहां एक दो दिन शूटिंग करने के बाद फिल्म की कास्ट लद्दाख के लिए रवाना होगी। और अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रेस 3 की कास्ट खजीवस ग्लेशियर में कुछ क्रूशियल सीन्स शूट करने वाली है। अगर आपको पता ना हो तो बता दे, खजीवस ग्लेशियर कश्मीर से सोन मार्ग में स्थित है और ये अपने बर्फीली वादियों के लिए वन ऑफ द मोस्ट लव टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। वैसे सोनमार्ग का एसेट कहलाने वाला खजीवस ग्लेशियर में सलमान को देखना उनके फैंस के लिए भी किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। क्यों दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड स्पाई के लिए मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान।